जय माता दी। बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण की। 30 दिन में 3 ग्रहण, देश का कैसा होगा भविष्य? अब की बार 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि दिन रविवार, मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि में पड़ रहा है सूर्य ग्रहण, जिसको कि खड़ास कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण कहते हैं। रविवार के दिन पड़ने वाला जो ग्रहण होता है वो देश के लिए, राजा के लिए, राष्ट्र के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए भारी होता है। ये जो संयोग अब की बार 21 जून 2020 को आया है, आज से हम 57 साल 9 महीने अर्थात 58 वर्ष के पूर्व चलते हैं। एक ऐसा ही संयोग आया था जो 30 दिन के अंदर 3 ग्रहण पड़े थे, और जो 17 जुलाई 1962 में चंद्र ग्रहण था पहला, और 31 जुलाई 1962 में सूर्य ग्रहण, और 15 अगस्त 1962 में पुनः पड़ा था चंद्र ग्रहण। उस समय भी उतल फुतल अनेकों प्रकार की व्याधियों से देश ग्रसित हो रहा था, युद्ध जैसी स्थिति। वही सेम स्थिति अब की बार 30 दिन में 3 ग्रहण, 5 जून को उपछाया चंद्र ग्रहण, 21 जून को सूर्य ग्रहण, और 5 जुलाई को भी चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है। अब की बार जो सूर्य ग्रहण है, इसको खड़ास कंकणाकृति, कंकणाकृति कहते क्यों हैं? जब सूर्य कंगन के स्वरूप में दिखाई दे उसे कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ये जो मिथुन राशि में, जब भी सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में पड़ेगा, उस अवस्था में देश में अनेकों प्रकार की बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा। बीमारी एक न एक नया रूप लेगा, प्राकृतिक आपदाएं, अनेकों प्रकार की व्यवधान, सैनिकों पर प्रहार, संतों पर प्रहार, धर्म पर प्रहार, ओलावृति, बिना मौसम का बारिश, आधी तूफान, चक्रवात तूफान, युद्ध जैसे स्थितियां बनती हैं। तो अब की बार जो कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है, ये रविवार को पड़ रहा है, और रविवार को जो पड़ता है उस सब के लिए भारी भी होता है। इस बार जो ग्रहण काल है, ग्रहण काल जो प्रारंभ हो रहा है, सूर्य ग्रहण 10:42 से प्रारंभ होगा, और जो ग्रहण काल का मध्य समय होगा वो 12:54 है, और जो मोक्ष का काल होगा वो 2:07 अर्थात 3:25 का संपूर्ण ग्रहण का जो काल है वो 3:25 का है। इस ग्रहण काल में आप भगवान की आराधना करें, ईश्वर की आराधना करें, और जितनी आप आराधना करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार अगर मैं बात करता हूं, इस सूर्य ग्रहण में 6 ग्रह की बार वक्री हो रहे हैं, और जो 6 के 6 ग्रह आपके देश के लिए शुभ नहीं है। इस 6 ग्रहों में, इन 6 ग्रहों का शनि, गुरु, शुक्र, बुध, राहु और केतु तो सदैव उल्टा चलते रहते हैं, परंतु अब की बार शनि, गुरु, शुक्र, बुध भी उल्टे हैं। जब 6 ग्रह वक्री होंगे तो आपके देश में राजा हर समय चिंतित रहेगा, प्रजा को लेके राजा रुकता रहेगा, परंतु ऐसी महामारी आएगी कि प्रजा अपने में उतल फुतल करेंगे। इस सूर्य ग्रहण से देश में उतल फुतल का प्रकोप एवं भूकंप का अर्थात विनाश का एक लक्षण दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए बड़ा ही भारी है। इस बार जो हमारी राशियां हैं, मेष, सिंह, कन्या और मकर, मीन राशि जो है, इस सूर्य ग्रहण उनको श्रेष्ठ योग बन रहा है। वृष, तुला, धनु, इनका मध्यम का योग बन रहा है, और मिथुन, कर्क, वृश्चिक, कुंभ राशि वाले अपने पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, शैव आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें। इस आराधना से
आपको हर तरह से लाभ प्राप्त होगा। ये ग्रहण जो हमें दिखाई दे रहा है यह हमारे भारत में तो दिखाई देगा ही, परंतु भारत के साथ पाकिस्तान, दक्षिण यूरोप, अन्यत्र सभी स्थानों पर दिखाई देगा। और वृश्चिक राशि वाले तो विशेष अपना ध्यान रखेंगे। और ग्रहण जब मिथुन राशि में पड़ता है, अब मंगल भी जलीय मिथुन और सॉरी मीन राशि में हो तो उससे भी स्थिति ठीक नहीं रहती है, क्योंकि सूर्य यहां पर, शनि है, गुरु, बुध सब वक्र हैं, अर्थात आपका जो देश है वो उत्तम स्थिति में नहीं है। तो अब की बार सूर्य ग्रहण के दिन आप सब लोग भगवान की आराधना करें। इस ग्रहण काल में बच्चे, वृद्ध या बीमार व्यक्ति जो हैं उनके लिए छूट होती है, और जो आप अन्यत्र हैं आप पालन करें। इस वैश्विक महामारी में उस दिन आप सूर्य की आराधना करेंगे, गंगा का स्नान करें, यदि गंगा नहीं जा सकते तो अपने बाल्टी में गंगा जल डाल करके स्नान करेंगे, और जैसे सूर्य ग्रहण पूर्ण हो उसके बाद दान पुण्य अवश्य करें आप लोग, क्योंकि दान पुण्य करने से ही ये जीवन आनंदित होगा। तो अब की बार जो सूर्य ग्रहण है, इस ग्रहण में आप नारायण का स्नान करेंगे, सूर्य की आराधना करने वाले जितने भी प्राणी हैं, जो हमारा देश है वो बड़ा ही इस समय अनंत काल के लिए है, आपकी आराधना ही आपको जीवन देगा। ये साल 2020 साल नहीं है, ये बवाल है, और 30 दिन में 3 ग्रहण पड़ जाए दोस्तों तो समझ जाना चाहिए कि आपके देश पे विपत्ति का प्रहार टूट रहा है। एक बीमारी जाती नहीं है, दूसरी आ जाती है, दूसरी आती नहीं तीसरी आ जाती है, और तीसरी नहीं तो चौथी आ जाती है, यह बीमारी अपना राहु रूप बदलता है। इसलिए आपकी बार सूर्य ग्रहण में आप लोग अपना विशेष ध्यान दें और सूर्य को अर्घ अवश्य देंगे, क्योंकि देश के लिए भी अच्छा नहीं है। और अभी एक भयंकर तूफान का और भयंकर भूकंप का भी योग बना हुआ है, इसलिए आप लोग आराधना करें। जब ग्रहण आंशिक, पूर्ण और अर्ध इस प्रकार से होता है, तो अभी जो चंद्र ग्रहण 5 जुलाई को पड़ने जा रहा है वो उपछाया ग्रहण है, उसका कोई महत्व नहीं है, उपछाया ग्रहण में कोई भी सूतक नहीं लगता है। अब की बार जो सूर्य ग्रहण का सूतक लगेगा 20 तारीख रात्रि 10:20 से लगेगा। आप लोग इस सूर्य ग्रहण में अपने को बचा के रखना, और दूरबीन से तो देख सकते हैं परंतु खुली आंखों से ना देखें, और सूर्य को अर्घ देना है और सूर्य को प्रणाम करना है, और अपने बड़ों को प्रणाम करें, इससे आपको राहत मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।